हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 की जो आपका टॉप कंपनी है उनका कब का आपका डिविडेंड अनाउंस करने वाली है और कितने रुपये का आपको डिविडेंड आता हुआ दिखेगा, इन सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको दिखने वाला कि इस लिस्ट में जो आपको पहली कंपनी आपको डिविडेंड देते हुए अनाउंस हो रही है, तो आप देख सकते हैं जो कि आपको देख सकते हैं कि आपका जो कंपनी का नाम है आपको बजाज फाइनेंस है, और ये आपको देख सकते हैं 36 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और ये आपको 21 जून को डिविडेंड देते हुए दिखेगी। दूसरी जो दोस्तों आप कंपनी आप देख सकते हैं कि आपको बजाज फिनसर जो आपको 21 जून के दिन ये भी आपको डिविडेंड अनाउंस करते हुए नजर आ रही है और इसका आपको 1 रुपये का डिविडेंड होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो आपको अगली कंपनी देख सकते हैं कि HDFC लाइफ है और ये आपको 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और ये आपको 21 जून को ये भी डिविडेंड देते हुए दिखेगी। अगली जो कंपनी आप देख सकते हैं कि आपको बजाज ऑटो है और ये आपको 80 रुपये पर शेयर का पर डिविडेंड अनाउंस किया है और ये आपको जिसका डिविडेंड डेट रखा गया है आपको 14 जून के दिन होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, जो अगली कंपनी देख सकते हैं कि आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर है और ये आपको 24 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, ये भी आपको 14 जून के दिन आपको डिविडेंड देता हुआ दिखेगा। दोस्तों, जो अगली कंपनी आपको IT सेक्टर से बिलोंग करती है देख सकते हैं कि आपका इन्फोसिस है, ये आपको 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया और ये आपको डिविडेंड कब देता हुआ दिखेगा, जो कि आपको 31 मई के दिन डिविडेंड देता हुआ दिखेगी। और दोस्तों, आपको देखने को मिला कि ये तो आपको देख सकते हैं कि आपको 20 रुपये पर शेयर का कोई डिविडेंड अनाउंस किया है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपको 8 रुपये पर शेयर का और भी आपको स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको देखने को मिला कि 20 रुपये प्लस 8 रुपये आपको टोटल 28 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा और इसका जो आपको डेट रखा गया है आपको 31 मई के दिन होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, अगली जो आपको कंपनी देखने को मिलेगी वो आपको बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। आप देखते हैं कि जो आपको कि आपको HDFC बैंक है, आप देखते हैं कि 19 रुपये 50 पैसे का आपको पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है और इसका जो डेट रखा गया आपको 10 मई के दिन आपको डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा, जो कि आपको इसी महीने होता हुआ देख सकते हैं। और दोस्तों, अगली जो कंपनी आपको IT सेक्टर से बिलोंग करती है, आप देख सकते हैं कि जो कि आपको HCL टेक है और ये आपको 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और देख सकते हैं कि आपको 7 मई के दिन आपको इसका डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा, जो कि आपको 18 रुपये पर शेयर का आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों, ये तो हो गया सारा आपका कंपनी का लिस्ट। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इधर को और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।